हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बट मैं आज अच्छा नहीं हूँ। बहुत ज़्यादा कोल्ड है, बहुत ज़्यादा कफ है, बट ये वीडियो जो है बनानी थी, ये बेसिकली वीडियो जो होगी है यूजीसी नेट दिसंबर 2019 के लिए इकोनॉमिक्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। इसमें मैं इकोनॉमिक्स के आपको 20 MCQs जो है वो समझाऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है आपने। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना है, और चैनल पर अगर नए आए हैं, चैनल का नाम है गौरव कॉमर्स गुरुजी। तो अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद जो है आप बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि जब भी मैं नई वीडियो डालूंगा आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय सप्लाई ऑफ गुड्स? सप्लाई ऑफ गुड्स से आपका क्या मतलब है? आप सप्लाई ऑफ गुड्स को गुड से क्या समझते हो? ऑप्शन ए, स्टॉक अवेलेबल फॉर सेल। ऑप्शन बी, टोटल स्टॉक इन वेयरहाउस। ऑप्शन सी, द एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ द गुड। एंड ऑप्शन डी, क्वांटिटी ऑफ द गुड ऑफर्ड फॉर सेल एट ए पर्टिकुलर प्राइस पर यूनिट ऑफ टाइम। देखो, ये तो सिंपल सप्लाई ऑफ गुड का तो सिंपल सा समझ आ रहा है कि क्वांटिटी ऑफ गुड्स ऑफर्ड फॉर सेल। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट डू मीन बाय अंडर कंडीशंस ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन इन द प्रोडक्ट मार्केट? कि आपको परफेक्ट जो हमारी कंपटीशन जो है, परफेक्ट कंपेरेटिव मार्केट होती है, उसमें उसकी क्या कंडीशंस होती हैं? ऑप्शन ए है MRP equals to VMP. ऑप्शन बी है MRP is greater than VMP. ऑप्शन सी, VMP is greater than MRP. एंड ऑप्शन डी इज नन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज MRP is equals to VMP. देन क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। द रिलेशन दैट लॉ ऑफ डिमांड डिफाइन इज, कि जो लॉ ऑफ डिमांड में रिलेशन होता है वो किस चीज़ को डिफाइन करता है? ऑप्शन ए इसका है इनकम एंड प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। ऑप्शन बी है प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। ऑप्शन सी इज इनकम एंड क्वांटिटी डिमांडेड। एंड ऑप्शन डी इज क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वालिटी सप्लाइड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी। आप सबको पता है कि प्राइस और कमोडिटी, मतलब प्राइस और गुड में जो है रिलेशनशिप डिस्क्राइब किया जाता है कि इसमें लॉ ऑफ डिमांड में, ठीक है, दोनों में इनडायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। प्राइस अगर इंक्रीज होता है तो डिमांड कम हो जाती है प्रोडक्ट की, और अगर प्राइस बढ़ता है, सॉरी कम होता है, तो डिमांड जो है वो क्या हो जाती है, रिवर्स, उल्टा बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। व्हाट डू मीन बाय मिक्स्ड इकॉनमी? मिक्स्ड इकॉनमी क्या होती है? देखो, मिक्स्ड इकॉनमी वो इकॉनमी होती है जहाँ पे प्राइवेट बिजनेसमैन भी बिजनेस करते हैं और गवर्नमेंट की भी कंपनीज जो है वो होती है। सो मिक्स्ड इकॉनमी जो है पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स का एक कॉम्बिनेशन होता है। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड ऑफ अ कमोडिटी? एक कमोडिटी की जो डिमांड होती है वो क्या है? सो इसका ऑप्शन है ए, अ डिजायर ऑफ द कमोडिटी। ऑप्शन बी, नीड फॉर द कमोडिटी। ऑप्शन सी, क्वांटिटी डिमांडेड फॉर दैट कमोडिटी। एंड ऑप्शन डी, क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी डिमांडेड एट अ सर्टेन प्राइस ड्यूरिंग एनी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है, स्टार्टिंग फ्रॉम द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया फॉलोड अ प्लैंड इकोनॉमी बिकॉज। अब इंडिया जो है एक प्लैंड इकोनॉमी को फॉलो करता है, क्यों? आजादी से लेके अब तक। ऑप्शन ए है इंडिया फॉलोड अ 5-year प्लान एंड रिक्वायर्ड एंड आउटलुक। ऑप्शन बी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इंडिकेटेड द प्लैंड विजन ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी है, पॉइंट सी है, द 5-year प्लान डज नॉट इंडिकेट हाउ मच ऑफ ईच एंड एवरी गुड एंड सर्विसेज इज टू बी प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो इसमें करेक्ट जो ऑप्शन है हमारे वो क्या है? ओनली 2, मतलब सेकेंड ऑप्शन ठीक है। ऑप्शन बी है हमारी कि सेकेंड और थर्ड पॉइंट ठीक है। ऑप्शन सी, फर्स्ट और थर्ड पॉइंट ठीक है। और ऑप्शन डी, तीनों ही पॉइंट्स हैं वो ठीक है। तो इसका आंसर होगा सेकंड एंड थर्ड पॉइंट इज द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट डू मीन बाय ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द कंट्री। ऑप्शन बी, द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन इन द कंट्री। ऑप्शन सी, डेप्रिसिएशन इन द टोटल वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द कंट्री। एंड ऑप्शन डी, द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द कंट्री एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज
produced in the country, total value of goods and services produced in the country क्या होती है? GDP, GDP at MP. तो जब हम इसमें NYFA add कर देते हैं, मतलब net factor income from abroad add कर देते हैं, और net indirect taxes जो हैं, sorry net indirect taxes का यहाँ पे कुछ नहीं करना, तो ये क्या बन जाती है? GNP at MP, ठीक है? मतलब हमने national income में, अपनी national income में foreign की income भी add कर दी, तो ये बन गया हमारा GDP at MP plus NYFA that is equals to GNP at MP. Then एट्थ क्वेश्चन पे चलते हैं. द रीजन फॉर द डिक्लाइन इन द चाइल्ड सेक्स रेशियो इन इंडिया इज, तो इसका आंसर बिल्कुल सिंपल सा है, फीमेल फर्टिसाइड. फीमेल फर्टिसाइड को हिंदी में कहते हैं भ्रूण हत्या, जब बच्चे को पेट में ही खत्म कर दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड फीमेल फर्टिसाइड. तो यही रीजन है कि चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है इंडिया में कम है. व्हाट थिंग्स आर टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल रिवाइजिंग द पॉवर्टी लाइन पीरियोडिकली, कि कौन सी चीज़ें ध्यान में रखी जाती हैं जब पॉवर्टी लाइन को पीरियोडिकली रिवाइज किया जाता है. तो इसका आंसर होगा बोथ ऑप्शन ए एंड बी आर टेकन इनटू कंसिडरेशन. तो ऑप्शन ए क्या है? बाय कंडक्टिंग अ सर्वे एवरी फाइव ईयर, की हर पाँच साल में एक सर्वे कंडक्ट करना. और दूसरा है नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं NSSO, ठीक है, वो सर्वे कैरी करे, ठीक है, क्योंकि वो जो सर्वे कैरी करते हैं ना वो रिलायबल होते हैं, उनके ऊपर भरोसा जो है वो किया जा सकता है. क्वेश्चन नंबर 10 है, इन इंडिया विच बैंक हैज द हाईएस्ट शेयर इन डिसबर्समेंट ऑफ क्रेडिट टू एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़, की कौन से बैंक्स हैं जिनका सबसे ज़्यादा शेयर है एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज़ को पैसा डिस्ट्रीब्यूट करने में. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज कमर्शियल बैंक्स. 11th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. विच ऑफ द बिलो मैंशनड इंस्टीट्यूट आर लिंक्ड विद द फाइनेंशियल सेक्टर ऑफ द इंडिया कंट्रोल्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज स्टॉक एक्सचेंज ऑपरेशंस, ठीक है, कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो फाइनेंशियल सेक्टर जो इंडिया का कंट्रोल कर रहा है आरबी, तो उसके साथ लिंक करती है, तो वो हमारे स्टॉक एक्सचेंज ऑपरेशंस है. देन इसके बाद व्हाट डज प्राइस फ्लोरिंग मींस, प्राइस फ्लोर का मतलब क्या होता है? जब हमारे पास सरप्लस में कोई चीज़ आ जाती है, तो इसका ऑप्शन ए है शॉर्टेज, ऑप्शन बी है सरप्लस, ऑप्शन सी है इक्विलिब्रियम एंड ऑप्शन डी इज नन. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज सरप्लस. देन क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं. व्हाट इज़ द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है वो क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज़ द टोटल वर्थ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जेनरेटेड इन द कंट्री इन अ ईयर एंड नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड. ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, वैसे मैं इसको दोबारा समझा देता हूँ. जी डी पी एट एम पी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो बाहर से पैसा आ रहा है, इनको मिलाने के बाद जो है दोनों को ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आती है? जी एन पी एट एम पी, राइट. 14th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. वाई स्टैटिस्टिकली द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज लो इन इंडिया, स्टैटिस्टिकली अगर बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है इंडिया में लो है, क्यों? अनएम्प्लॉयमेंट इज कैलकुलेटेड ओनली फ्रॉम द एज ग्रुप 15 to 59 ईयर्स, 15 साल से लेके 59 ईयर्स तक के लोग जो हैं इनकी अनएम्प्लॉयमेंट काउंट की जाती है. पॉइंट बी है अनएम्प्लॉयमेंट सर्वाइव्स ओनली व्हेन एन इंडिविजुअल कैन नॉट फाइंड अ जॉब, अनएम्प्लॉयमेंट सर्वाइव तब करती है जब इंडिविजुअल को जॉब नहीं मिलता. पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन वर्किंग आउटसाइड द डोमेस्टिक एरिया, कि लोग जो है डोमेस्टिक एरिया से बाहर निकल के काम करने के लिए तैयार नहीं है. तो इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है ए, ऑप्शन है ओनली 3, थर्ड पॉइंट सही है. ऑप्शन बी सेकेंड और थर्ड दोनों ठीक है, ऑप्शन सी सिर्फ सेकेंड ठीक है, एंड ऑप्शन डी सारे ठीक है. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज सेकेंड ऑप्शन, कि अनएम्प्लॉयमेंट तभी सर्वाइव करती है जब किसी बंदे को जॉब नहीं मिलता विलिंगली, कोई पर्सन जो है वो अनएम्प्लॉयड नहीं रहना चाहता. देन 15th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. द बोर्ड शेप ऑफ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इलस्ट्रेट, जो बोर्ड शेप होती है पीपीसी कर्व्स की, वो क्या इलस्ट्रेट करती है? तो इसका आंसर है लॉ ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल कॉस्ट, कि जो लॉ है हमारा इंक्रीजिंग मार्जिनल कॉस्ट उसको इलस्ट्रेट करती है. देन 16th क्वेश्चन है. द मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस बाय ऑल सोसाइटी इज, दैट इज स्कार्सिटी, क्योंकि देखो हमारी जो प्रॉब्लम है स्टार्ट ही यहीं से होती है जब गुड्स की शॉर्टेज होती है. जब कोई चीज़ अबंडेंस में हो, क्या हम एयर की इकोनॉमी कर सकते हैं? एयर को कंसिडर करते हैं इकोनॉमिक्स में? नहीं करते, ठीक है. पानी को करते हैं? नहीं करते, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है अबंडेंस में अवेलेबल है हमारे पास. जो चीज़ की स्कार्सिटी होगी ना, हम सिर्फ उसी चीज़ को कंसिडर करते हैं इकोनॉमिक्स में. सो क्वेश्चन नंबर 17, कैपिटलिज्म इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन. कैपिटलिज्म जहाँ पे प्राइवेट ऑनरशिप जो है वो कैपिटल गुड्स की रिवील करती है, तो इसका आंसर होगा आंसर ऑप्शन सी, दैट इज़ प्राइवेट ऑनरशिप ऑफ कैपिटल गुड्स, ठीक है. देन इसके बाद 18th क्वेश्चन है. द गोल ऑफ प्योर मार्केट इकोनॉमी इज टू मीट द डिजायर, कि जो प्योर मार्केट होती है, प्योर मार्केट किसको कहते हैं? परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट को.
कौन सी मार्केट को प्योर मार्केट कहते हैं? परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट. यूजीसी के बच्चे हैं ना, उनके लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको कि प्योर मार्केट जो है वो किस जो मार्केट है उसका नाम है. तो इसका आंसर होगा परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट. तो ये किस इकोनॉमी की डिज़ायर होती है? तो ऑप्शन ए कंज्यूमर, ऑप्शन बी कंपनीज, ऑप्शन सी वर्कर्स एंड ऑप्शन डी गवर्नमेंट. तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, दैट इज कंज्यूमर. सॉरी, 19th क्वेश्चन, द लॉ ऑफ डिमांड मींस एज द ऑप्शन ए है, सॉरी, एज अ क्वांटिटी डिमांडेड राइजेज प्राइस राइजेज. क्या क्वांटिटी डिमांड के बढ़ने से प्राइस बढ़ता है? गलत. एज द प्राइस राइजेज क्वांटिटी डिमांडेड राइजेज, ये भी गलत है क्योंकि प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो कम होती है. देन सी ऑप्शन इज एज द प्राइस राइजेज द क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स, ये ठीक है. लास्ट भी देख लेते हैं, एज सप्लाई राइजेज द डिमांड राइजेज, ये भी गलत. तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, दैट इज एज द प्राइस राइजेज द क्वांटिटी ऑफ डिमांड फॉल्स. लास्ट क्वेश्चन है 20th, द एग्जाम्पल ऑफ एग्रीकल्चरल प्राइस सपोर्ट प्रोग्राम इज, दो एग्जाम्पल है एग्रीकल्चरल प्राइस सपोर्ट प्रोग्राम का, वो क्या है? अ प्राइस फ्लोर, प्राइस सीलिंग जो होती है वो सरप्लस होता है, जो प्राइस फ्लोर होता है उसमें क्या होता है कि एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है एमएसपी जिसको कहते हैं, ये भी आपको यूजीसी में पूछा जा सकता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमएसपी. एमएसपी का फुल फॉर्म जो होता है दैट इज कॉल्ड मिनिमम सपोर्ट प्राइस. मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब होता है कि जब गवर्नमेंट जो है हमारे कंट्री के किसान को सपोर्ट करती है कि आपने इससे कम नहीं बेचना, इससे महंगा बेचो, इससे कम नहीं बेचना, ठीक है. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज प्राइस फ्लो. सो आई होप आपको वीडियो जो है पसंद आया होगा. अगर थोड़ी बहुत मैंने कुछ गलत बोल दिया हो, क्योंकि मैं थोड़ा सा ठीक नहीं हूँ आज, ठीक है, तो उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय. चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन दबा देना. थैंक यू सो मच.